हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आज हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था। आपने बच्चों सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। चलो आज चैप्टर 11 की हम रीडिंग करेंगे। एक स्टोरी है ये, क्या नाम है हमारी स्टोरी का? चतुर बीरबल, ठीक है। चलो अच्छे से स्टोरी को समझ के पढ़ना ताकि जो भी क्वेश्चन बाद में आते हैं या बुक की एक्सरसाइज होती है वो हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। राजा अकबर के महल में चोरी हो गई। किस राजा के महल में चोरी हुई? अकबर के महल में। राजा अकबर के महल में चोरी हो गई। रानी के बहुत से जेवर चोरी हो गए। अकबर के महल में जो चोरी हुई थी वहां किस चीज की चोरी हुई थी? रानी के जेवर। राजा को यह शक था कि चोरी अपने ही किसी आदमी ने की है। राजा को यह शक हो रहा था कि उसके महल में जो चोरी हुई है, महल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चोरी किसी अपने ने ही की है जो महल में ही रहता है। राजा का एक मंत्री था जो कि बहुत चतुर था। चतुर का मतलब होता है होशियार था। एक उनका मंत्री था राजा अकबर का जो बहुत चतुर था, उसका नाम बीरबल था। चतुर मंत्री का क्या नाम था बच्चों? बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, ठीक है। वो इतना होशियार था, इतना चतुर था कि उसके जो चतुराई के किस्से थे वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो वो इतना बुद्धिमान था कि जो भी काम करता था एकदम परफेक्ट करता था, तो उसके किस्से बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल को चोरी के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, महाराज दो दिन में ही चोर का पता लग जाएगा। मतलब अकबर ने बताया अपने मंत्री को कि ऐसे ऐसे महल में चोरी हो गई है, तो बीरबल ने कहा, महाराज मुझे दो दिन का समय दीजिए, दो दिन में ही पता लग जाएगा कि चोरी किसने की है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। तरकीब होता है उपाय, है ना। किसी भी चीज का हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ता है ना, तो उसको एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन उसने राज दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया, ठीक है। और वहां जितने भी मंत्री थे तो उसने राज दरबार में सबको बुलवाया। बीरबल ने एक ऐसा घड़ा मंगवाया जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से हाथ जाता था। एक उसने घड़ा मंगवाया, देखो यहाँ पर देखा रखा है आपको पिक्चर में, और जिसके अंदर हाथ जो है वो बहुत मुश्किल से जाता था। बीरबल ने सभी उपस्थित मंत्रियों से कहा कि, उपस्थित होता है जो वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है, जो वहां पर आए हुए थे, उन सभी मंत्रियों से कहा कि आप सभी बारी बारी से इसमें अपना हाथ डालना। सभी से कहा कि आप एक एक करके आना और इस घड़े में अपना हाथ डालना। यह एक जादू का घड़ा है। आपने आप में से जिसने भी चोरी की होगी उसका हाथ घड़े से बाहर नहीं आएगा। मतलब उसने वहां मंत्रियों को डरा दिया कि आप इस घड़े में एक एक करके अपना हाथ डालना, और जिस भी मंत्री ने यहाँ पर चोरी की होगी उसका हाथ जो है वो घड़े से बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो जिसने चोरी की होगी उन मंत्रियों में से जो भी एक चोर होगा उसको डर लग रहा होगा अंदर से। अब देखो आगे क्या हुआ। बीरबल ने सभी मंत्रियों के आगे घड़ा कर दिया। यह देखकर सभी मंत्री हैरान हो गए कि सभी का हाथ आसानी से बाहर आ गया था, ठीक है। सबने एक एक करके हाथ उसमें डाल भी लिया और सबका हाथ बाहर आ भी गया। तो सभी मंत्री हैरान थे कि ऐसा क्यों, मतलब किसी का भी हाथ तो अंदर नहीं रहा, तो चोर कौन था, ठीक है। यह सब देखकर अकबर ने पूछा, क्योंकि अकबर तो वहां बैठे थे, राजा थे वो तो वहां बैठे थे, वो देख रहे थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बीरबल बताओ चोर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज चोर अभी आपके सामने आ जाएगा। वास्तव में बीरबल ने उस घड़े में
लाल रंग का घोल डाला हुआ था। उसने घड़े में क्या कर रखा था? लाल रंग का घोल जो है वो घोल रखा था। बीरबल ने सभी मंत्रियों से कहा कि आप अब अपना हाथ आगे करें। सबके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था, क्योंकि उसने घड़े में लाल रंग घोल रखा था, तो सबके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था। केवल एक मंत्री ऐसा था जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे। उस अब आप सोचोगे कि एक मंत्री के हाथ में क्यों नहीं लगा, क्योंकि बीरबल ने सबसे पहले ही ये कहा था कि जिसका हाथ घड़े में फंस गया, बाहर नहीं निकला, वो ही चोर है। तो उन मंत्रियों में से जो चोर था, उसे तो डर लग रहा था, उसने पूरा हाथ घड़े के अंदर डाला ही नहीं, उसने जरा सा घड़े के अंदर डाल के तुरंत निकाल लिया। तो घड़े के अंदर जो लाल रंग था वो उसके हाथों में लग ही नहीं पाया, क्योंकि उसने हाथ डाला ही नहीं डर के मारे कि मेरा हाथ अंदर ही ना फंस जाए। उस मंत्री ने अपना पूरा हाथ घड़े में डाला ही नहीं था, उसी मंत्री ने चोरी की थी, क्योंकि उसे डर था अपने मन में। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। सभी बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? चतुर व्यक्ति कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेता है। उसने तो केवल ये कहा था कि घड़े में हाथ फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने किसी को ये नहीं बताया था कि घड़े में लाल रंग है। तो जो चोर था, उसने घड़े में हाथ डाला ही नहीं कि मैं डालूंगा नहीं तो मेरा हाथ फंसेगा ही नहीं, तो मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह हर परेशानी का हल ढूंढ ही लेता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये स्टोरी पढ़ी है। आप भी सब ये स्टोरी को पढ़ेंगे अच्छे से। इसी स्टोरी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।